इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से। करीम खान अटक डायरी टीवी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अटक डायरी टीवी के इस प्लेटफॉर्म से हम मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुकात हैं, चाहे वो समाजी हैं, चाहे वो सियासी हैं, या वो हुनरमंद हैं या फनकार हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। और इस गुफ्तगू का जो मुद्दा है वो आपके सामने रखते हैं और हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे ज़िले में, हमारे अटक में कैसे कैसे काबिल लोग मौजूद हैं। तो बिल्कुल उसी सिलसिले की एक कड़ी है आज नहायत काबिल मोहतरम शख्सियत हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमाएं। इनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और इन्होंने काफ़ी अरसे से ये लगी हुई हैं, मिनोरिटीज़ के लिए खिदमत कर रही हैं, लेकिन सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ही नहीं, तमाम मिनोरिटीज़ के लिए और मेजोरिटीज़ के लिए भी काम कर रही हैं। ये ख़ासकर अहम बात मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी या बाकी अकलियत के लिए काम कर रही है, तमाम तर लोगों के लिए, नादार लोगों के लिए भागदौड़ करती हैं, हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि उनके मसले मसाइल हल हों। और इनका एक 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 वर्क है, एक काम है, इन्होंने एक मेहनत की है, उस सिलसिले में जो इनकी खिदमात हैं वो काबिल तहसीन है। हम चाहेंगे कि इनके जो तासरात हैं वो आप तक पहुँचे। हमारे साथ इस वक्त बिल्कुल मौजूद हैं मैडम शीरिया असलम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपको बताता चलूँ, कहीं शादी हो रही है, कहीं शादी में जा रही है मैडम, तो इमरजेंसी में हमने इनको मतलब है कि रोका, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। नहीं, इट्स ओके, आप हमारे बहुत अच्छे बड़े मोहतरम भाई हैं, मैं कभी भी आपको रिफ्यूज नहीं कर सकती थी। सलामत रहें। आगाज करते हैं गुफ्तगू का मैडम। हम तो आपको ज्यादातर अगर जानते हैं तो ह्यूमन राइट्स के नाम से अगर पहचान है, हम अक्सर सुनते रहते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स का जब नाम आता है तो मैडम शीरिन असलम का नाम जो है ज़िला अटक में सर फहरिस्त आता है, क्या वजह है? एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट ही लिया था तो ह्यूमन राइट्स से लिया, और ऑलमोस्ट मुझे 12 ईयर हो गए हैं अटक में ह्यूमन राइट्स पे काम करते हुए। पहले तक, अभी तो आपने बताया सबको क्रिश्चियन है, तो पहले लोगों को नहीं पता था, तो मैं तमाम मजाहिब पे काम करती हूँ और मैंने एक प्लेटफॉर्म पे तमाम मजाहिब को इकट्ठा किया, तो लोग पूछते थे कि कौन है। काफ़ी अरसा लगा लोगों को कन्फर्म करने में कि ये हिंदू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, ये कौन है। बाद में पता चला कि एक इंसान है और ये इंसानों के लिए काम करती है। हमें आप पे फ़ख्र है और अटक को आप पे फ़ख्र है। थैंक यू कि आप इंसानियत के लिए इस कदर काम करती हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है नाजरीन, कि आप एक इंसान के तौर पर जाने जाएं और लोग इस ख्याल में रहें कि जी ये फलां बंदा किस मजहब से या किस फिरके से ताल्लुक़ रखता है। यही इंसानियत है कि सिर्फ इंसानियत को देख कर अगर हम देख के खिदमत करें और किसी का दर्द अपना दर्द समझें, किसी की खुशी अपनी खुशी समझें, ये सबसे बड़ी इबादत है। अच्छा, ये तो हो गई आपसे गुफ्तगू ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तालीमी काबिलियत क्या है आपकी? मैं कुछ इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ी लिखी हूँ, बस ट्रिपल मास्टर किया है। और मेरी तरह अंगूठा लगा लेती हैं आप? जी, आपको पता है आजकल हर काम के लिए अंगूठा ज़रूर लगाना पड़ता है, इसके बगैर आप कंफर्म ही नहीं होते कि आप के पास कोई आईडी कार्ड भी है कि नहीं। अच्छा। मैंने ट्रिपल मास्टर किया, मैं सोशियोलॉजी में किया, पॉलिटिकल साइंस में और इस्लामिक स्टडी में। दोबारा बता दीजिए। मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया, सोशियोलॉजी में किया और इस्लामिक स्टडी में। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़ में एमए करने की वजह, जैसे कि आप जानते भी हैं कि आप मतलब कि क्रिश्चियन हैं, इस्लामिक आपने जो सब्जेक्ट है वो क्यों लिया? एक्चुअली मैं जब तमाम इंसानों के साथ काम कर रही हूँ तो मुझे एक दूसरे के मजहब के बारे में सीखना ज़रूरी है, और मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि सिर्फ मेरा मजहब ही है इसी को सुने, मुझे दूसरों को भी तो सुनना है ना, तो इसको सुनने के लिए मैंने इसमें कोशिश की है कि मास्टर करूँ। और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं जो फ़िका में हैं और जो अहदीस के हैं उनमें मैंने कोर्स किए हैं। इवन एक जगह जब मेरी पोस्टिंग थी पाकिस्तान रेलवे में, तो वो एक आयत लिखी हुई थी तो उसको मैंने ज़रा करेक्ट कर दिया ना, उन लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि ये क्रिश्चियन बंदी है और इसको कैसे पता। मैंने कहा आप ले आएँ कुरान पाक उठाएँ और ये आयत थोड़ी सी यहाँ से ये तस्सी कर लेना। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बड़ा मेरा शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा ये तो काफ़ी अरसे से हमने लगाई हुई थी, हमें नहीं पता था। तो ये मेरे लिए बड़ा ऑनर था, उन लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया इस बात से और बड़ा मुझे रिस्पेक्ट दी ना।
ये मोहब्बत एक अकीदत है, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से। अच्छा मैडम, वो तो हो गई है। यहाँ जो मिनोरिटीज हैं अटक में, उनके जो हकूक हैं, क्या वो पूरे हो रहे हैं? मैं गवर्नमेंट हवाले से बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट उनको कुछ दे रही है, कुछ सपोर्ट हो रही है गवर्नमेंट या इंतजामिया की तरफ से? जो फाइट है ये ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स में जो ज़्यादा आबादी निगलेक्टेड हो रही है वो ज़ाहिर मिनोरिटी है या ट्रांसजेंडर्स है। तो मैं समझती हूँ कि ये आज से 4 साल पहले का एक मैं वाकया आपको बताना चाह रही हूँ। एजुकेशन में शकूर साहब थे, CEO एजुकेशन, तो उन्होंने क्या किया, कुछ पोस्टें आई हुई थी क्लास 4 की, तो उन्होंने क्या किया कि जो नायब कासद और चौकीदार और ये सारी पोस्टें, इनमें से कोटा उठा लिया, ख़त्म कर दिया, और वो सारा सफाई वाला कोटा उन्होंने मिनोरिटीज़ का दे दिया। उन्होंने कहा कि ये तो मतलब इसमें तो आना ही आना है। मतलब मैंने कहा हम नायब कासद का कितना कोटा, नहीं नहीं क्लास 4 का जो टोटल कोटा वो हमने रख दिया। मैंने उन्हें कहा ये जो जितने भी हेड्स पे पोस्टें आई हैं, चाहे वो नायब कासद है चाहे वट एवर जो भी है, इनके अलग अलग कोटे हैं। 100 पे आपने 5 मिनोरिटी के लोग रखने हैं, लेकिन शायद उनको मेरी बात समझ नहीं आई। वो पहले से डिमोलिश कर चुके थे ये सारा कोटा। फिर उसके लिए बड़ी मैंने फाइट की, बड़ा इसके लिए मैंने रोई धोई, बड़े लड़ी, बड़ा हर फोरम पे गई। फिर वो बस अल्लाह को मंजूर था, वो पोस्टें होल्ड हो गई दोबारा से। फिर अभी ये 4 साल के बाद भी फिर अनाउंस हुई है वो। अब उन्होंने बकायदा कोटा दिया है, नायब कासद में कितना कोटा है मिनोरिटी का, क्योंकि ये 100 पे 5 रखने हैं इन्होंने। अगर नायब कासद 5 रखे हैं तो सॉरी 100 रखे हैं तो उसमें 5 मिनोरिटीज रखने हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म कर दिया हुआ है, बकायदा इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि अगर मिनोरिटी की सीट खाली है तो वो एज इट इज खाली रहेगी, उसके ऊपर मेजोरिटी का बंदा नहीं आ सकता। चलिए ये तो बेहतर है। अब जो सीट्स आई हैं आप जिनका जिक्र फरमाया, उनमें सिलेक्शन हुई है या अभी होल्ड है? अभी तो मेरा ख्याल है कल इंटरव्यूज हुए हैं उनके। अच्छा। और अभी सिलेक्शन नहीं हुई है तो ये अभी देखते हैं क्या। उम्मीद करेंगे कि जी उनके सिलेक्शन हो जाएगी। चलें ये तो हो गई, बहुत अच्छी बात है। अटक में रहायश आपकी शुरू से अटक से है या अटक से कहीं बाहर से ताल्लुक है? मेरे दादा कश्मीर के थे और वो माइग्रेट हुए वहाँ पे सियालकोट, मतलब हमारा बॉर्डर पे है गांव जफरवाल, तो वहाँ पे थे। वहाँ से फिर मेरे अब्बू टीचर थे, वो वहाँ यहाँ आए, फिर वो सर्विस करते रहे, फिर मैं जॉब में आ गई, फिर हम बस इधर ही के हो गए। मतलब मैं तो पैदा भी इधर ही हूँ, तो मैं तो अटक के अलावा कोई चीज़ नहीं जानती। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ख़ास बात बताता चलूँ, पिछले कुछ माह पहले एक टीवी पे, गालिबन टीवी पे वो टॉप 50 का आया था सर्वे वगैरह, एक टीवी चैनल ने टॉप 50 स्ट्रॉन्ग वेमेन के नाम से एक लिस्ट जारी की कि 50 में से आप वोट दें, किसको वोट देना चाहते हैं, और पूरे पाकिस्तान से 50 ख़वातीन को सेलेक्ट किया गया। उसमें 50 में से मैडम शीरिन का भी, शीरिन असलम का भी नाम था, और मैंने तो उनको वोट किया था। काफ़ी लोगों से कहा था कि जी आप भी वोट करें। ये नया सबका कि सबने मुझे वोट किया था। इसके अलावा मैं बताती चलूं कि जो साउथ एशिया की एक कमेटी बनी थी जिसमें 7 ममालिक थे, तो पाकिस्तान में से 10 लोग सेलेक्ट हुए थे पूरे पाकिस्तान में से, जिसमें से एक मैं थी, और 400 लोगों की प्रेजेंटेशन थी जिसमें से मैंने भी चीज़ों को प्रेजेंट किया, मैंने भी बताया और मैंने अपने लिए फ़ाइट किया, तो मैं उन 10 में मैं फॉल हुई। और जब नाम ले लिए गए तो मुझे यह था कि मेरा तो कहीं नाम ही नहीं होगा, मैं तो एक छोटे से एरिया की हूँ, ये वो, मैं शायद मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। लेकिन जब अल्लाह मियाँ किसी को इज्जत दे तो कोई नहीं रोक सकता। जब नाम लिया गया, पहले एक बंदी का लिया गया और सेकंड पे मेरा नाम लिया गया। उन्होंने कहा जब हमने ये बनाई है लिस्ट तो इनका सेकंड पे है, इनकी जो एवरेज आई है उन सारी चीज़ों में से ये सेकंड पे आई है। पूरे साउथ एशिया में कुछ स्टडी हुई थी, कुछ किसी खातून के बारे में लिखा गया था, जो पाकिस्तान में जिसके बारे में लिखा गया था वो मैं हूँ। मेरे पास बुक भी है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, हम पढ़ेंगे, और बड़ी खुशी की बात है। नाज़रीन मैंने आपसे कहा भी था कि हमारे अटक में ऐसे अहबाब मौजूद हैं, ऐसे शख्सियात मौजूद हैं कि जिन्होंने न सिर्फ अटक का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और उसी में मैडम शीरिन असलम का भी नाम जाना जाता है। मैडम वो तो हो गई बात आपके हवाले से। हमारे यहाँ खासकर देखा गया है कि ख्वाजा सराओं के लिए, उनके हक के लिए
कोई मैदान में नहीं उतरता। आपने ख्वाजा सराओं के हकूक के लिए भी बागदौड़ की है और उसमें हम काम देखते हैं आपका। अटक में ख्वाजा सरा के जो मसले मसाइल हैं वो जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं और उस वो किस हद तक हल हो चुके हैं, आपने किस हद तक उनको इस तरह किया कि वो हल हो सकें? मतलब हाल तो ऐसे नहीं हुए हैं लेकिन आवाज़ बुलंद की है, 4-5 सालों से मैं कर रही हूँ और इसके लिए मुझे बड़ा फेस भी करना पड़ा है हार्डशिप्स। और अपने ही लोग मतलब बहुत ज़्यादा ये टैबू समझते हैं कि कोई ट्रांसजेंडर के साथ चल के जाए या उनके साथ काम करे, और मेरी फैमिली को बड़ा इसमें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, पर्सनली मुझे बड़ा फेस करना पड़ा इसके लिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आपकी ज़िम्मेदारी लगा दी है कुछ काम के लिए तो आपको उसको फुलफिल करना है, क्योंकि पता नहीं है आज हम हैं या नहीं हैं। तो हमें जो अपनी यादगार या मेमोरियल सर्विस अच्छी करनी है, मेमोरियल सर्विस में यही है कि जब बंदा जब ज़मीन की ज़िंदगी पूरी करे तो कोई रोए तो दिल से रोए आपके लिए। ये मरने वाले को तो सारे ही अच्छा कह देते हैं, वो चाहे जितना बड़ा कातिल जो भी हो कहेंगे जी बड़ा अच्छा सी चंगा सी अच्छा सी, मरने वाले को बुरा नहीं कहते हैं ये। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं मरूँ तो लोग दिल से मुझे रोए और ये मत कहें, मजबूरी ना करें कि जी अच्छी थी उसने ये भी किया ये भी, लेकिन लोग दिल से करें इस चीज़ को, रिस्पेक्ट दें। बहुत अच्छा पैगाम है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम दिल से कोई भी काम करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल भी होता है और नज़र भी आता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है मैडम के जो सामने नज़र आता है बेसिकली वो होता नहीं है। प्रॉब्लम ये है जो दिल से काम करने वाले लोग होते हैं वो नज़र आ जाते हैं और लोगों को नज़र भी आता है। आपकी खिदमात कोई डगी छुपी नहीं है, हमको सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है, पूरा अटक जानता है। क्या फील करती हैं अटक शहर में, आप मुतमैन हैं जहाँ आप अपने शहर में रह रही हैं और यहाँ पे चूँकि आपने बताया कि बेसिकली आपके दादा कश्मीर से थे, अटक के लोग और अटक के बासी अटक का माहौल कैसा महसूस करते हैं? मतलब मेरे लिए तो अटक ही सब कुछ है, तो शायद दादा होते तो ज़्यादा कश्मीर के बारे में बताते। वैसे मैं कश्मीर में जॉब मैंने की है, इंटरनेशनल एनजीओस में मैंने की, कश्मीर में मैं रही हूँ 3 साल, बड़ा ही खूबसूरत एरिया है। लेकिन मैं समझती हूँ जैसा अटक है दुनिया में कहीं नहीं, इसकी ब्यूटी, इसके लोग, इसके एक एक चीज़, इसका कहते गलियों का कख भी बड़ा अनमोल है। बात है जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, आपने ट्रांसजेंडर के हवाले से पूछा, तो हमने ट्रांसजेंडर्स के लिए यहाँ पे स्पेशली जो है लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज हैं उनके साथ उनके लाइजोनिंग करवाए, क्योंकि जब ये कोई इवेंट करते कोई प्रोग्राम करते तो इनके लिए बड़ी मुश्किल होती थी, तो वो हम लोगों ने उनके दरमियान अगर उनके ऊपर कोई किसी ने कोई वायलेशन कर दिए कुछ कर दिया तो उनको हमने इंसाफ दिलवाया, और उसके लिए मैं हमेशा उनके लिए स्टैंड किया। और अटक में मैं डीपीओ का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब भी कोई ट्रांसजेंडर के हवाले से मसला होता है वो ज़रूर इसमें हेल्प करते हैं। और हम लोगों ने डीसी साहब को एक एप्लीकेशन भी दी हुई है कि सिविल हॉस्पिटल में एक रूम ट्रांसजेंडर के लिए रख दें कि अगर कोई बीमार होता है कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको वहाँ पर इंटरटेन किया जाए। और इसके अलावा उनके हेल्थ कार्ड मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी न किसी तरीके जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि अपने वल्दियत शो नहीं करना चाहते हैं उनके गुरु के नाम पे उनके आईडी कार्ड बने और उनको हेल्थ कार्ड मिले। और हमने वैसे आईडी कार्ड बनवाए भी हैं बहुत सारे, जो नादरा ने वन विंडो ऑपरेशन किया था हमने बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स के आईडी कार्ड भी बनवाए। दो बातें सामने आई हैं नाजरीन, निशानदेही फरमाइए कि सिविल हॉस्पिटल अटक में ख्वाजा सराओं के लिए अलग रूम होने चाहिए उनके जो इलाज की सहूलियात के बारे में जो जिक्र आया इसके अंदर, सेहत इंसाफ कार्ड काफ़ी अहबाब इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले दिनों एक मसला पेश आया था एक खातून को और बड़ा जी उन्होंने इंतज़ार किया कि जी वो मिल जाए तो उसके बाद फिर हम ऑपरेशन करवाएँ, थायराइड का ऑपरेशन था, मुश्किल से वो नहीं हो सका, बन नहीं सका और उन्होंने कहीं से कर्जा कर उन्होंने वो ऑपरेशन करवाया। इस किस्म के मामलात आगे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी कावेश है आपकी। सेकंड जो आपने कहा कि जी इसके जो जो लॉ का इशू है, क्या बाकी जितने भी ह्यूमन राइट्स आपकी जो तंजीम है वो जो मजबूर और नादार लोग हैं उनको कोर्ट के इशू में कोई हेल्प आउट करते हैं?
वैसे तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मेरी जिनके साथ जान पहचान है, जितने भी लॉयर्स हैं, उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया है कि अगर आप कोई ऐसा बंदा भेजे जो फीस नहीं अदा कर सकता तो हम उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। जिनमें से ज़्यादा मैं जिक्र करना चाहूँगी, गज़ाला सदीक हैं, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, वो उन्होंने कहा आप भेजें, मैं इसके लिए फ़ाइट करूँगी। इसके अलावा अरशद ताज हैं, और उन्होंने किया भी, अरशद ताज साहब ने, अगर हमने कोई भेजे हैं लोग तो उन्होंने मतलब फ़ीस के मद में उनसे कोई इतने बड़े चार्जेस नहीं लिए। बहुत अच्छी शख्सियत का उन्होंने नाम लिया, और हम चाहेंगे भी एक दिन के उनसे भी एक दिन गुफ्तगू कर लें। नहायत अच्छी खातून हैं, वकील हैं, और बहुत अच्छे इनके स्ट्रगल है, वो बिल्कुल करती हैं काम ह्यूमन राइट्स के लिए। आखिर में अटक डायरी के हवाले से और ओवरऑल क्या पैगाम देना चाहेंगे सुनने वालों को? सबसे पहले तो मैं अटक डायरी का, अटक पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन लोगों ने मुझे मौका दिया, और स्पेशली करीम साहब आपका, अल्लाह मियां आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और मैं समझती हूँ कि अटक डायरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है कि जो अब अटक की पहचान बन गया हुआ है, और इस पर जब मैं वो पोस्टें आती हैं देखती हूँ और चीज़ें मैं देख रही होती हूँ तो वो बड़ी ही मुनासिब होती हैं। ये नहीं है कि, बल्कि मैंने एक दिन एक पोस्ट देखी थी, उन्होंने कहा था इररेलीवेंट पोस्ट ना शेयर किया करें, तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि जो चीज़ें अटक से रिलेटेड हैं वो हमारे कोई मसाइल हो सकते हैं, हमारी अचीवमेंट हो सकती हैं, तो उसको देखें। दूसरा ये सुनने वालों के लिए पैगाम, हाँ सुनने वालों के लिए ये पैगाम है कि इंसानों से मोहब्बत करें, कभी किसी का मज़हब ना पूछा करें उससे मिलते हुए, क्योंकि मज़हब जब हम पूछते हैं तो हम तय करते हैं कि इसके साथ मोहब्बत करनी है या नफ़रत करनी है। तो बस इंसान है तो खुल के, दिल खोल के उनसे मिले और अच्छे तरीके से मिले, और ये जाना करें कि आप भी अल्लाह ही की बनाई हुई मखलूक हैं, और जिससे मिल रहे हैं वो भी अल्लाह की मखलूक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम। थैंक यू सो वेरी मच, और जज़ाकअल्लाह। थैंक यू जी। नाज़रीन, ज़िंदगी में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बज़ाहिर आपके साथ होते हैं मगर दिल के नहायत काले होते हैं, उनके ईमान का पता नहीं चलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर आपसे तलख लहजा इख्तियार करते हैं मगर दिल के बड़े अच्छे होते हैं। वो आपको जो तरीका समझाने का होता है वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। ऐसे अहबाब दुनिया में बड़े कम पाए जाते हैं जो आपको अपने हाल पर छोड़ देते हैं, आप जिस हाल में भी हैं, आपका ना पूछते हैं ना आपको कोई हेल्प आउट करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आपका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से है, आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, आपका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से है, इंसानियत का जो ताल्लुक़ है वो कभी ख़त्म नहीं होता और ना होगा। अपने मेज़बान करीम खान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने कहवान।